अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं रूल्स को पढ़ना जो कि हमें हेल्प करेंगे किसी भी वैल्यू को राउंड ऑफ करने के लिए। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि राउंडिंग ऑफ कहते किसको है, और ये बात आपको मालूम है। राउंडिंग ऑफ मीन्स रिड्यूसिंग द नंबर्स। रिड्यूसिंग द नंबर्स इन व्हाट सेंस, किस सेंस में रिड्यूस करना नंबर्स को, इन सिग्निफिकेंट फिगर्स, इन डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर इफ आई विल से। ठीक है, जितनी सिग्निफिकेंट फिगर हमें चाहिए उस सिग्निफिकेंट फिगर में हमें उनको राउंड ऑफ करना। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि सिग्निफिकेंट फिगर को डिजायर भी कर सकते हैं। अरे नहीं भाई, हमारा मतलब ये है कि अगर मैं कहूं कि मेरी एक वैल्यू है जो कि है 605.38, ठीक है, 605.38, इसके अंदर इस वक्त कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मुझे इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 से बनानी है क्या 4, तो मैं क्या करूंगी, मैं कैसे करूंगी? उसके लिए मुझे राउंडिंग ऑफ डेटा के रूल्स पता होना चाहिए कि हम किस तरह से अपने इस डेटा को राउंड ऑफ कर सकते हैं अपने डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर में। तो स्टार्ट करें। According to rule number 1, if the digit to be dropped, जिस digit को drop करना है वो greater है 5 से, 5 से greater है, तो क्या करना है, add करना है 1 को to the last digit। इसमें कितने significant numbers हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मुझे इन 7 significant figure को लेकर आना है 6 significant figure की जाने, तो मुझे इसको रिड्यूस करना होगा यानी कि राउंड ऑफ करना होगा। अब मैं क्या करूं, अब मैं देखूंगी इस टूल को, मैं कहूंगी कि भाई जिसको मुझे ड्रॉप करना है, मुझे 8 को हटाना है, ठीक है, अब उसके बराबर वाला जो नंबर है वो 5 से बड़ा है कि छोटा है? 5 से बड़ा है, तो उसके मैं उसके अंदर क्या कर लूंगी, एड प्लस 1 एड कर दूंगी, तो मेरे पास ये ऊपर की वैल्यू अब क्या बन जाएगी, 667.257, क्योंकि हमने इसमें प्लस 1 ऐड किया है। अब कितनी वैल्यू हो गई हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर की, 6 हो गई। यानी कि रूल नंबर 1 हमें ये बता रहा है कि अगर आपको राउंड ऑफ करना है अपनी वैल्यू को, ठीक है, और जितने सिग्निफिकेंट नंबर तक करना है, तो आपको जिस नंबर को हटाना है उसके बराबर वाले नंबर, यानी कि जो आपका नेबरिंग नंबर है, वो अगर 5 से बड़ा है तो आप उसके अंदर ऐड करोगे 1, ठीक है, और उसको क्या कर लोगे, रिड्यूस कर लोगे, राउंड ऑफ कर लोगे। अगर आपको और कहा जाए किसको और राउंड ऑफ कर लो, तो आप उसको और राउंड ऑफ करते जाओगे जितने सिग्निफिकेंट नंबर चाहिए होंगे। नाउ रूल नंबर टू, पहले हमने बात की रूल नंबर 1 की, इसमें हमने ग्रेटर देन 5 की बात की है, अब ग्रेटर देन लेस देन 5 की बात करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हमारी वैल्यू, ये वैल्यू है आपकी जिसमें अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, और अगर आपको उसको रिड्यूस करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो आप क्या करोगे? अगर आपका जो लास्ट डिजिट है जो कि लेस देन 5 है, जो कि हमें ये रूल भी बता रहा है कि अगर इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5, जो ड्रॉप करना है आपको डिजिट वो 5 से कम है, 5 से छोटा है, तो आपने सिर्फ उसको ड्रॉप कर देना है, ठीक है, सिंपली जस्ट ड्रॉप इट। कैसे ड्रॉप करेंगे, ये बन जाएगा जो डिजिट ड्रॉप करना है उसके साथ में आपका जो भी डिजिट मौजूद है आपने उसको वैसे ही लग दिया, उसमें कोई एडिशन या सब्स्ट्रैक्शन नहीं किए जो कि आपने पहले की थी जब वो ग्रेटर देन 5 था। आर यू गेटिंग इट? अब अगर हम
अपने नेक्स्ट रूल की जानिब जाएं। तीसरा रूल जो है स्टूडेंट वो उन नंबर के लिए है जब हमें जिस नंबर को ड्रॉप करना हो वो एग्जैक्टली 5 हो, तो फिर हमारी दो पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं, ठीक है। और वो दो पॉसिबिलिटीज क्या हैं? वो दो पॉसिबिलिटीज डिपेंड कर रही हैं हमारी नेचर पे। किन की नेचर पे? हमारी नेचर पे नहीं, हमारे उन नंबर्स की नेचर पे जो के 5 के साथ में मौजूद हैं, जो के 5 के ड्रॉप होने के बाद में उसके साथ ही रहेगा, ठीक है। सो नंबर 1 पॉसिबिलिटी कि वो इवन है, नंबर 2 कि वो ऑड है, तो होगा क्या देखते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है इवन के लिए कि अगर आपका जो डिजिट जो के 5 के ड्रॉप होने के बाद में रह जाएगा, रिटेन रहेगा, मौजूद रहेगा, वो इवन है, तो आपने क्या करना है उसको, बस 5 को ऐसे ही ड्रॉप कर देना है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 जस्ट ड्रॉप हो जाएगा। कैसे? अगर आपको एग्जांपल दें, अभी इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और जिस डिजिट को ड्रॉप होना है वो है 5, तो उसके साथ का जो नंबर है वो देखिए आप 8 है, मतलब कि वो ऑड है कि इवन है? इवन है, ठीक है। इसीलिए अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इस वक्त जिसकी सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी है? 6 है, हम उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 5 बन जाएगी। तो हम राउंड ऑफ कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे कि चूंकि 5 के बराबर वाला नंबर इवन है तो वो 5 ऐसे ही ड्रॉप हो जाएगा और इस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट 5 आपका माइनस हो गया, निकल गया। अब अगर हम सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करें जो ऑड नंबर्स के लिए है, ऑड रिटेन नंबर के लिए है सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर रिटेन नंबर ऑड है तो ऐसे ही ड्रॉप नहीं होगा 5, रिटेन नंबर के अंदर प्लस 1 हो जाएगा। जैसे हमने आपको ये एग्जांपल दी 5.375 की, अगर आप इसके अंदर देखो तो 5 को ड्रॉप होना है और इस वक्त कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। जब हम 5 को ड्रॉप करेंगे तो ड्रॉप करने के लिए हमें उसके नेबरिंग नंबर पे ध्यान देना है, तो नेबरिंग नंबर क्या है? इवन है क्या ऑड है? ऑड है। इसलिए आप क्या करोगे, जब 5 ड्रॉप करोगे तो क्या करोगे, 7 वाले नंबर में प्लस 1 कर दोगे, ठीक है। प्लस 1 किया तो क्या होगा, 5.3 + 1 = 8। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। यानी कि हमने ये सीखा कि हम किस तरह से अपने डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू को अपने डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर में लेकर आ सकते हैं बाय राउंडिंग ऑफ। और राउंडिंग ऑफ के लिए हमने रूल्स पढ़े, उन रूल्स को हम अप्लाई करेंगे जिसकी हेल्प से हमें आसानी हो जाएगी अपने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आप ये सारा काम कैलकुलेटर में कर रहे हैं तो आपने क्या करना होगा, अपनी वैल्यूज को सारा ऐड करना होगा, या क्योंकि अभी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज करेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन और डिफरेंट मैथमेटिकल जो आपके ऑपरेशन होते हैं उनके लिए, तो उसमें हम कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कैलकुलेटर को यूज किए बगैर हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल जो है ना वो थोड़ा सा दिमाग को कर देते हैं, मतलब मुश्किल हो जाती है कि डेसिमल, तो डेसिमल को भी प्लेस किया जाता है तरीके से, और ऐसे ही हम ऐड अप और उसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना मल्टीप्लाई कर सकते, डेसिमल प्लेस की जो वैल्यू डेसिमल प्लेसमेंट को भी गौर से देखना होता है ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कि हमें डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स में करने होते हैं। तो ये तो हमारे रूल्स थे जिसमें हमने रूल्स पढ़े किससे रिलेटेड, राउंडिंग ऑफ करने के लिए अपनी डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, थोड़ा सा इंप्लीमेंट करेंगे जो आज पढ़ा है, ठीक है। सो बी रेडी, वी विल बी राइट बैक, ओके, अल्लाह हाफिज़।